रीवा जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग के संयोजकत्व में रीवा नगर गौरव दिवस आयोजनों की श्रृंखला में आज निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के बनारस, प्रयागराज एवं मिर्जापुर सहित सिंगरौली जिले के उद्यमियों ने सहभागिता निभाते हुए रीवा जिले में उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखाई। स्थानीय लैंडमार्क होटल में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के मुख्य अतिथि प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि उद्यमियों को जिले में उद्योग स्थापना में सभी सुविधाएं व सहयोग दिया जाएगा। रीवा जिले में उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल माहौल है। यहां उद्योग की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बिना किसी परेशानी के सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कराते हुए जमीन के साथ अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन नीति में उद्यमियों को काफी सहूलियत दी जाएगी। रीवा जिले की तकदीर व तस्वीर अब बदल गई है। यहां उद्योग स्थापना के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म है, अतः उद्यमी आए और रीवा में उद्योग स्थापित करें, जिससे उद्योग स्थापना से उनकी उन्नति के साथ जिले की उन्नति होगी व यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा जिला प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम प्रदेश में दूसरे स्थान पर तथा उद्यम क्रांति योजना में प्रथम स्थान पर है। यह प्रगति इस बात का प्रतीक है कि जिले में जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, बैंक व उद्यमियों के समुचित प्रयास से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने त्योथर के घुमा तथा मऊगंज के पटेहरा, घुरेटा के उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए आमंत्रित किया तथा कहा कि उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा जिले में औद्योगिक पर्यटन एवं हरित क्रांति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा औद्योगिक कॉरिडोर के रास्ते में शामिल है। यहां आगामी माह में हवाई अड्डे का भूमि पूजन कराया जाएगा और हवाई अड्डा 6 माह में पूर्ण भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि रीवा जिले के अधोसंरचना निर्माण कर उद्यमियों की सभी सहूलियतों की पूर्ति कराई गई है, ताकि वह आए और अपना निवेश करें। श्री शुक्ले ने कहा कि रीवा में सुविधाओं व संसाधनों का तेजी से विकास हुआ है और इस अनुकूल माहौल में उद्यमियों को लाभ लेकर अपना उद्यम स्थापित करना चाहिए। निवेशक सम्मेलन में विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल ने कहा कि जिले में कई स्थानों की भूमि उद्योग स्थापना के लिए चयनित हुई है और वहां सभी अधोसंरचना के कार्य कराए गए हैं। उन्होंने मऊगंज के पटेहरा व घुरेटा में उद्योग स्थापना के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। विधायक त्योथर श्याम लाल द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि रीवा प्रगति के सोपान तय कर रहा है। उन्होंने घुमा में उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए आमंत्रित किया तथा कहा कि यह क्षेत्र प्रयागराज से लगा हुआ है। यहाँ उद्योग स्थापना में उत्तर प्रदेश के उद्यमी रुचि दिखाएं। उद्योग स्थापना से देउर कोठार का भी आकर्षण बढ़ेगा। इस अवसर पर कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कहा कि निवेशक जिले, प्रदेश व देश के आर्थिक आधार होते हैं। रीवा तेजी से बढ़ता शहर है। यहाँ सभी संसाधनों की पूर्ति कराकर उद्यम स्थापित के अनुकूल अधोसंरचना निर्मित की गई है। यह संसाधन के साथ उद्योग फ्रेंडली माहौल है, अतः उद्यमी उद्योग स्थापना के लिए आगे आए। इन्वेस्टर्स समिति में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा जिले को इंडस्ट्रियल क्षेत्र के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह अभियान आइए रीवा के नाम से जाना जाएगा और निवेशकों को यहां सभी संसाधन व सुविधाएं देकर उद्यम स्थापना में प्रशासनिक मदद दी जाएगी, ताकि उनको यहां अच्छा लगे। उन्होंने सीमावर्ती जिलों बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर के उद्यमियों से गेटवे रीवा में उद्यम लगाने का आह्वान किया तथा आश्वस्त किया है कि उन्हें सिंगल विंडो के माध्यम से तत्काल सभी सुविधाएं दी जाएंगी तथा उनका विश्वास डिगने नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने उद्यमियों को रीवा में बिना किसी हिचक के उद्यम स्थापित करने का आह्वान किया तथा उन्हें पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में सीए प्रशांत जैन ने उद्योग संवर्धन नीति व रीवा जिले में उद्योग स्थापना के लिए सुविधाओं का पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर सतना जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष गोपी मिलानी ने भी संबोधित किया। सफल उद्यमी मोहित टंडन ने अपने अनुभव साझा किए हैं। इससे पूर्व महाप्रबंधक उद्योग यूवी तिवारी ने इन्वेस्टर्स समिति के उद्देश्य बताते हुए कहा कि यह जिले में उद्योग स्थापना के लिए एक प्रयास है, जिसमें सीमावर्ती राज्यों व जिलों के उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। रीवा के उद्योग अनुकूल माहौल में उद्यमियों को सभी सुविधाएं देते हुए उद्योग स्थापना के लिए सार्थक पहल कलेक्टर मनोज पुष्प के प्रयासों से की जा रही है। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं सुविधाओं के लाभ के साथ जिले में उद्योग स्थापना के लिए चयनित क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित सिंगरौली सतना जिले के उद्यमी तथा सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के बनारस मिर्जापुर प्रयागराज के उद्यमी तथा स्थानीय उद्योगपति एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन संयुक्त संचालक उद्योग हरीश त्रिपाठी ने किया।